हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे अचीवर सेक्शन के हॉट क्वेश्चन। पांच क्वेश्चन है इसमें। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 1/4 और 1/12 को रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग फिगर से। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो पहले 1/4 और 1/12, तो लिख लेंगे 1/4 प्लस 1/12। तो देखिए 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 के टेबल में 12 आता है ना? हाँ आता है। 4 3 12, तो यहाँ पर 12 आप लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पर 1 है 1 × और 4 3 जाए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऊपर 1 है, 12 × 1 हो जाएगा, तो जाएगा 3 × 3 प्लस 1/12, तो कितना आ जाएगा 4/12। ठीक, तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि 4/12 पार्ट कहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नीचे कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ही पार्ट है, तो ये होगा ही नहीं इसका आंसर। यहाँ पे भी 5 है, भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। और चार पार्ट देखिए इसमें रंगा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो हो जाएगा 4/3। तो आपको कौन सा रिप्रेजेंट करना, ऑप्शन नंबर डी। अब 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर पे देखिए कैटफिश कितनी है आपकी, कैटफिश है यहाँ पे 4। ठीक है, गोल्ड फिश कितनी है यहाँ पे 5, और स्टार फिश यहाँ पे कितनी है, स्टार फिश है यहाँ पे 1। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, हाफ ऑफ द फिश इन एक्वेरियम तो गोल्ड फिश। देखिए पहले कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे टोटल 10। ठीक है ना, 10 फिश हैं टोटल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द गोल्ड फिश, तो गोल्ड फिश का फ्रैक्शन क्या है, गोल्ड फिश है आपकी 5 और टोटल फिश है 10। तो देखिए ये इसका आधा ना, 5 × 2 = 10, तो इसका आधा है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, हाफ इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है, 28 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपका कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है कि इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8/11। इसमें भी क्या होगा, 5 + 3 8/11। इसको ऐड करेंगे 7 और 1 8/11, और यहाँ पे 6 में ऐसा क्या ऐड कर दें, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 2/11, तो क्या आ जाएगा 8/11। ठीक है ना, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8/11 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन आपको करना है। और यहाँ पे पहले देखिए बोट कितनी बार है, 1 2 3, शिप कितनी बार है, 1 2 3, एरोप्लेन 1 2 3, 1 2 3 हेलीकॉप्टर, 3 3 बार हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसको इसी हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, 3 बोट, ये बोट है ना, देखिए ये बोट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बोट प्लस, यहाँ पे कितने शिप हैं, 2 शिप हैं, तो 2 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ये देखिए 3 3 = 9 और 10, तो 10/3 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एक शिप है प्लस हेलीकॉप्टर एरोप्लेन है, ठीक है ना, और हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, 6 3 = 18 और 19, तो 19/3 ये दूसरा बनेगा। फिर देखिए एरोप्लेन है, यहाँ पे 2 एरोप्लेन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस, ये बोट है, एक बोट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 8 3 = 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25/3, ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक बोट है और 2 आपका क्या है, हेलीकॉप्टर, तो बोट यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 हेलीकॉप्टर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 5 5 3 = 15 और ये कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16/3, यहाँ पे लिखेंगे 16/3। ठीक है, हो जाएगा फोन नंबर। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे हम, देखिए सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड करेंगे तो देखिए 3 बार कितना है, 1 2 3, 3 बार बोट है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 बोट प्लस 3 एरोप्लेन और 3 आपका क्या है, हेलीकॉप्टर है, और 3 आपका क्या है, शिप भी है, तो इन सबको इधर ऐड किए, तो इधर भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/3, 19/3, 25/3, और यहाँ पे आ जाएगा 16/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस ए प्लस एच प्लस एस। ठीक,
तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 70/3, ठीक है ना, 70/3 आ गया। अब यहाँ पे हम जब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आएगा बी प्लस ए एच प्लस एस इक्वल टू 70/9, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए कि ए प्लस एस प्लस एच, तो देखिए ए प्लस एच प्लस एस मतलब ये तीनों, ठीक है, और ए प्लस एस प्लस एच ये कितना है 19/3, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बी प्लस 19/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू लिखते हैं 70/9, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, इसको इधर लिखेंगे 70/9, और देखिए ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 19/3, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 9, ये हो जाएगा 70, यहाँ पे माइनस 19 इंटू 3 जाना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 70-57/9, ठीक है। तो ये कितना आएगा 13/9, ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 14/9, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, बी की वैल्यू बन रही है, और बी की वैल्यू ही आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, यानी कि बोर्ड की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों बताइए। देखिए यहाँ पे टोटल जो बैलून है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल बैलून यहाँ पे लिख लेंगे, टोटल बैलून यहाँ पे कितने हैं 12, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेड बैलून कितने हैं, तो रेड बैलून हम लिखेंगे, रेड बैलून है यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, तो रेड बैलून हम लिखेंगे 6, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ रेड बैलून निकाल लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि रेड बैलून का फ्रैक्शन किसके हिसाब से है, तो लिख लेंगे फ्रैक्शन ऑफ रेड बैलून, तो रेड बैलून कितना है 6 और टोटल बैलून कितना है 12, यहाँ पे हो जाएगा 6/12, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन यहाँ पे मैं बताना कैसे हो जाएगा, 1, 2, 3, ये 9 है टोटल, तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/9, उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 8/2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 4/4 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/4, और इसको कट करेंगे तो कितना 1, 1 + 1, 2, 2 + 2, तो यानी कि 1/2 यहाँ भी आ रहा है, 1/2 यहाँ भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, साथ ही साथ अगर आप मुझे कुछ पे करना चाहते हैं इस नंबर पे, मेरे गूगल पे नंबर पे, तो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।